हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, नीट 2017 के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी था, मगर नीट 2018 व 19 में कोर्ट के आदेश के अनुसार ये जरूरी नहीं था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के पास आधार कार्ड नहीं होने से वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसको मैंडेटरी नहीं रखा गया था। अभी तमिलनाडु स्टेट में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए हुए फ्रॉड को देखते हुए एनटीए ने सेंटर से नीट 2020 के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी करने की परमिशन मांगी है, ताकि नीट 2020 के लिए आधार डाटा यूज किया जा सके। ये एनटीए के डायरेक्टर श्री विनीत जोशी ने कहा है। अगर सेंटर इसके लिए एग्री हो जाता है तो आधार डाटा यूज करने की परमिशन मिल जाती है, तो बायोमेट्रिक सिस्टम से एप्लीकेशन फिल करते समय, एग्जामिनेशन के टाइम पर, काउंसलिंग के समय और एडमिशन के टाइम पर विभिन्न स्टेज पर वेरीफाई किया जाएगा। इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि हम स्टूडेंट के एग्जाम में दो बार फिंगरप्रिंट लेते हैं, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले वह एग्जाम खत्म होने के बाद, लेकिन इनका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है, वो पेपर पर ही लिया जाता है। दोस्तों, अगर आधार डाटा यूज करने की परमिशन मिल जाती है और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो जाता है तो ये नीट 2020 की एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के एडमिशन तक वही स्टूडेंट एडमिशन लेगा जिसने फॉर्म फिल किया था, एग्जाम दी थी, काउंसलिंग करवाई थी। इससे फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें काउंसलिंग में भी सीट ब्लॉकिंग के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अगर ये सिस्टम लागू हो जाता है तो स्टूडेंट को इसमें काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आधार कार्ड के बारे में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक छूट न जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।